सिकरीगंज थाना क्षेत्र के रानीपार गांव में शुक्रवार को युवक की गई हत्या में फरार दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के रानीपार गांव में शुक्रवार को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी भानु सिंह की पत्नी 4 साल पहले भानु सिंह के चचेरे भाई सूरज सिंह के साथ अपने 2 बच्चों के साथ बाहर चली गई थी। वहीं लॉकडाउन में उनके घर वापस आने पर बच्चों की कस्टडी को लेकर हुए विवाद में भानु सिंह और परिवार के 4 अन्य सदस्यों द्वारा सूरज सिंह की शुक्रवार को हत्या कर दी गई। उक्त हत्या के संबंध में सिकरीगंज पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर मुख्य हत्या अभियुक्त भानु सिंह और हत्या की साजिश में शामिल ज्ञान सिंह की गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कल एक अपराध पंजीकृत किया गया है हत्या का, जो 92/2020 है वो क्राइम, और इसमें कुल 5 अभियुक्त नामजद हुए थे जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकरण जो है वो प्रकरण इस चीज़ का है कि जो बड़े भाई की जो पत्नी और बच्चे को ये मृतक जो है लेके हैदराबाद चला गया था, अभी कुछ दिन पहले लौटा है, तो कुछ कल परसों विवाद हुआ था, उसी विवाद के कारण उसने लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। आप जो शेष अभियुक्त हैं वो घर के ही हैं या अन्य कहीं बाहर के? सब वहीं, सब घर के ही हैं सब, और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, जो गुण दोष के आधार पर होगा विवेचना का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।